नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सिस्टम को एक्सपोज करने जा रहा हूं। जो बातें आपके सामने प्रकाश में लाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के, ऐसी बातें नहीं हैं। प्रायोजित रिपोर्टिंग करवाई जा रही है, पैसे दे करके खबरें छपवाई जा रही हैं, पीआर करवाया जा रहा है। सच्चाई लेकिन कुछ और है। खबरें आई कल कि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मित्रों, सच्चाई ये नहीं है। बहुत सारे एंगल्स हैं, अभी मैं आज आपको एक्सपोज करने जा रहा हूं। बारीकी से हमारे इस कार्यक्रम को देखिए और मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती भी कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट में लुकआउट सर्कुलर को लेकर के एक सुनवाई थी। लुकआउट सर्कुलर को लेकर के सुनवाई क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्या थी, महाराष्ट्र सीबीआई की यूनिट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच क्यों किया, इसके पीछे का राज क्या है, क्या यह सीबीआई को मालूम नहीं था कि जिस मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो मुद्दा बेहद कमजोर है और इस कमजोर मुद्दे पर कोई भी आंख का अंधा और कान का बहरा जज भी वही बात कहेगा जो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिर सीबीआई इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची क्यों, झोल क्या है? एक नेपथ्य में आपको ले चलता हूं। कुछ दिन पहले कुछ व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था वैक्सीन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील से पूछा, क्या आपने लगवाया है? उन्होंने कहा नहीं लगवाया है। उनका पिटीशन रिजेक्ट हो गया। आजकल किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच रहे हैं और किस प्रकार से कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसके पीछे का राज क्या है? इतने बड़े बड़े विद्वान वकील, इतने बड़े बड़े विद्वान जज, उनको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही है। और वो ऐसे वकील जो बिना तैयारी के जा रहे हैं और उनको मालूम है कि इस मुद्दे पर जब हमारी हियरिंग होगी तो कोर्ट शायद यही रुख लेगा और तब फिर हम ये केस हार जाएंगे। और वो क्या हारने के लिए अदालत जा रहे हैं, ये सब जानते हुए कि उनका मुकदमा कमजोर है, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? कौन भेज रहा है सुप्रीम कोर्ट? कौन ने सबके पीछे खेल रहा है? सीबीआई महाराष्ट्र की यूनिट सुप्रीम कोर्ट क्यों आई, जबकि हमने पहले ही बता दिया था कि जस्टिस मोइते देरे, उनका संबंध किनसे है और किस प्रकार से अभिनव चंद्रचूड़ के अपीयरेंस के बाद लुकआउट नोटिस को क्वैश कर दिया गया, सतीश मान सिंधे जैसे वकील को हास्य पर रख करके अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया और जस्टिस मोइते देरे और बाकी जो उनके और जो महानुभाव जस्टिस महोदय हैं मुंबई हाई कोर्ट के, उन्होंने इस मुद्दे को क्वैश किया और उसके बाद सीबीआई इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पहुंच गई। क्या सीबीआई इतना नौसिखिया है? क्या सीबीआई नॉविस है? क्या सीबीआई को इस बात का इल्म नहीं है कि जिस आधार पर मुंबई हाईकोर्ट ने उनके पिटीशन को क्वेश किया है
उनके रिक्वेस्ट को सेट असाइड किया है, क्या वो आधार सुप्रीम कोर्ट के समझ में नहीं आएगी? तो इतने कमजोर केस को लेकर के आखिर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची क्यों? और पहुंची तो फिर परिणाम वही होना था जो हुआ, और जब परिणाम आया उसके बाद सारी मीडिया बड़े बड़े अक्षरों में खबरें छापना शुरू कर दी कि माननीय रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। यह सब कुछ हुआ तयशुदा कार्यक्रम के तहत हुआ, लेकिन आपको मालूम है दुनिया की निगाहें कहीं और रहती है और क्यूवाइब की निगाहें कहीं और रहती है। हमारी निगाहों से वो ऐसा कोई चीज बच के नहीं निकल सकता है जिसमें बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी हो, और ये गहरी कॉन्स्पिरेसी को क्यूवाइब नेटवर्क बड़ी आसानी से डिकोड कर लेती है, और क्यूवाइब नेटवर्क ने उस कॉन्स्पिरेसी को आपके सामने रख दिया। एक मामूली बच्चा भी इस केस में मुंबई हाईकोर्ट की जो दलील थी, उस दलील के बाद एक मामूली बच्चा भी सीबीआई के तरफ से, जिसको कोई जानकारी नहीं हो, अपढ़ हो, गंवार हो, मूर्ख हो वो भी, या नासमझ हो वो भी, शायद सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ये जानते हुए कि मुंबई हाईकोर्ट ने जो हमसे पूछा है, मतलब सीबीआई से पूछा है, उसका जवाब उनके पास नहीं था। मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि आप अगर लुकआउट नोटिस को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लागू रखना चाहते हैं, तो जरा आप हमें बताइए कि पिछले 4 साल में आपने रिया चक्रवर्ती को कब कस्टडी में लिया, आपने कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड कब हमसे की, कब आपने वारंट निकालने की कोशिश की कि हमें रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी है, बहुत गंभीर पूछताछ करनी है, इसलिए हम उन्हें कस्टडी में लेना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं लिया, आपने पूछताछ क्यों नहीं किया, कस्टडी तो छोड़िए, आपने कोई सम्मन क्यों नहीं भेजा रिया चक्रवर्ती को, क्या आप आइए, अगर वो जांच में सहयोग नहीं करती तो आप फिर कस्टडी के लिए आवेदन करते, और अगर उसमें भी नहीं आती तो फिर आप कहते कि भाई ये तो ना हमें अरे जांच में सहयोग कर रही है, ना हमें कस्टडी में हमें दिया जा रहा है, और अगर इनको लुकआउट नोटिस को क्वेश्चन किया गया तो ये भाग जाएंगी, ये आपका दलील हो सकता था। इसके सामने सीबीआई के वकील मौन थे, सीबीआई मौन थी, सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था, और इस प्रकार से कमजोर केस को पेश किया गया और केस खारिज हो गया। इस प्रकार के वातावरण ही इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसी तरीके से हमारे यहां इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पिछले 4 साल से। सारी व्यवस्था मिलकर के एक जस्टिस को रौंद रहा है, न्याय को चकनाचूर कर रहा है, और इसमें पूरी व्यवस्था शामिल है। कल का कोर्ट अगर आप सुनेंगे तो जस्टिस गवई ने कहा कि आप ये लुकआउट नोटिस को इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस है वो सेलिब्रिटी हैं। जस्टिस गवई भी इनसे बहुत प्रभावित हैं, सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी रिया चक्रवर्ती, मधुवाला के बाद रिया चक्रवर्ती, मीना कुमारी के बाद रिया चक्रवर्ती, हेमा मालिनी के बाद रिया चक्रवर्ती, वैजयंती माला के बाद रिया चक्रवर्ती, वहीदा रहमान के बाद रिया चक्रवर्ती, इस दौर में बाकी श्रीदेवी और बाकी जो कलाकार अदाकारा आई, माधुरी दीक्षित, वो सब गौण। जस्टिस गवई को एक सेलिब्रिटी नजर आ रहा है, किसमें? रिया चक्रवर्ती में। और इसलिए जब जस्टिस गवई एक कमेंट करते हैं उस कमेंट को छापा जाता है, वाह पीआर एक्सरसाइज, देखिए इस देश का पीआर एक्सरसाइज, देखिए इस देश की न्याय व्यवस्था को, देखिए इस देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, देखिए देखिए, आप अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए,
ये सब कुछ ब्रॉड डे लाइट में हो रहा है। मीडिया, जुडिशरी, कॉरपोरेट, बिजनेस घराना और सो कॉल्ड सेलिब्रिटी फिल्म स्टार का कॉर्पस बन गया है। और ये कॉरपोरेशन मिलकर के देश के कानून व्यवस्था को, देश की न्यायिक पद्धति को तार तार करने में लगा हुआ है। रिपोर्टिंग देखिए क्या हुआ, किरिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस पास हो गया और सीबीआई को फटकार पड़ी। हमने भी लगाई है सीबीआई को फटकार पड़ी, लेकिन हमने इसके बीच से खबर निकाली। जस्टिस गवई का इस कोर्ट को जिस तरीके से आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में पीआर एक्सरसाइज किया गया है, और कौन करवा रहा है ये सब मालूम है, जिस तरीके से ये पीआर एक्सरसाइज किया गया है रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए। रिया चक्रवर्ती अगर जेल गई तो रिया चक्रवर्ती ने पहले ही कह दिया है कि मैं मुंह खोलूंगी और सबको नंगा कर दूंगी, और बड़े बड़े सफेद पोश अब रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगे हुए हैं। ये टके सिर भाजी टके सिर खाजा का खेल चल रहा है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर मुझे जेल भेजा गया तो मैं सबको नंगा कर दूंगी, और वाकई में वो नंगा कर देंगी। जब खुद ही नहीं जाएंगी, खुद ही का कोई अस्तित्व नहीं, तो सबके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देंगी रिया चक्रवर्ती।